अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 मैं कर चुका हूं, बहुत ही इजी है। पहला और दूसरा पार्ट दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, उसके बाद हमने लिखना है कि अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ 2x² + 3x + 1 = 0। यहाँ पे अभी हमारे पास a की कीमत क्या होगी 2, b की कीमत क्या होगी 3 और c की कीमत क्या होगी, c की कीमत होगी हमारे पास 1। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो फार्मूला हमारे पास माइनस b डिवाइड बाई a। तो इसकी जगह अगर हम पुट करें अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे बी की जगह आपके पास आ जाएगा 3 और ए की जगह आपके पास आएगा 2, ये आपके पास हो जाएगा इक्वेशन 1। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है, वो इसका फार्मूला हमारे पास सी डिवाइड बाई ए, तो अल्फा बीटा आ जाएगा और सी की जगह 1 आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा 2। जिस तरह पहले इक्वेशन था सेम टू सेम, ये भी उसी तरह आ जाएगा। अभी आपने क्या करना है, नाउ अभी हमने ये इक्वेशन लेना है 1 और अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और बीटा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये बीटा बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, तरतीब देंगे आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ये अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वन फिर 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट इक्वेशन 1 एंड 2, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह यह आ जाएगा मनफी 3 डिवाइड बाई 2 मनफी 2, अल्फा बीटा की जगह यह आ जाएगा 1 और 2, और नीचे आपके पास अल्फा बीटा की जगह यही 1 और 2 आ जाएगा, लेकिन इस दफ़ा हम होल स्क्वायर लगेंगे, पहले इक्वेशन में होल स्क्वायर नहीं था। तो अब ये 3 मनफी 3 को 2 दफ़ा ज़रब करेंगे 9, और ये आ जाएगा 4, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा मनफी 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अब इसका आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इसका हमारे पास आ जाएगा 4। अब ये एलसीएम जो लिया है, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 बचेगा, और वही एलसीएम अगर हम इस 1 के साथ ज़रब करें तो मनफी 4 आ जाएगा, और नीचे आपके पास यही 1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। 9 से 4 जाएगा तो 5, और नीचे वही 4, और ये 1/4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 5 और ये 4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इस क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ 5 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सवाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। ओके, थैंक यू सो मच।